Assalamu alaikum and good morning. We are doing the same topic, that is molecular formula and empirical formula. But the twist in this question is that you are not provided with the molecular mass of the compound, neither the composition, percentage composition of the element. So you have to calculate it with the help of the volume given over here. ठीक है, तो इस question के अंदर जो चीज है वो volume है. आपको molecular मास नहीं पता, आपको परसेंट कंपोजिशन एलिमेंट्स की नहीं दी हुई. ठीक है, और क्यों नहीं दी हुई, उसके लिए यहाँ पे एक आसानी भी कर दी गई है कि आपको जो परसेंट कंपोजिशन दी जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का मास दिया जाता है, वो दिया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ग्राम्स मास ऑफ द एलिमेंट और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो आपको वो स्टेप्स करने की तो ज़रूरत ही नहीं है. अब अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से फर्दर स्टेप देखें तो हम क्या करते थे, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया, उससे फर्दर एन निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आ जाते थे. बट इसके केस में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता. तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम गिवन ओवर हेयर. तो वॉल्यूम अगर आप यहाँ देखें तो डेटा देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है. आपको गिवन है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CO2H. एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दिया है. 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन द गैशियस स्टेट ऑक्यूपाइज 448 सेंटीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, STP इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये जो गैस है, गैशियस स्टेट में ये जो कंपाउंड है 448 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेंटेन रखता है. ठीक है, ऑक्यूपाई करता है. तो इस वॉल्यूम को सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने डेटा के अंदर ही कर दिया है. कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग विद 1000. आपने इसको 1000 से डिवाइड किया, इट हैज़ बिकम 0.448 डीएम क्यूब. अब हम फर्दर ये डीएम क्यूब वाली वैल्यू यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल के अंदर. डेटा में और क्या क्या है, EF यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन था, MF मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है. गिवन मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 1.8 ग्राम. सो लेट्स कंटिन्यू. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन्होंने जो कंडीशन दी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर ये प्रेशर है, तो हम उसका रिलेशन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वी नो दैट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम जानते हैं कि 22.414 डीएम क्यूब ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस, ठीक है, गैसियस स्टेट में जो भी कंपाउंड है वो क्या होता है, बराबर होता है 1 मोल के. ठीक है, तो आपके पास कितना है, आपके पास है 0.448 डीएम क्यूब, तो ये कितने मोल के बराबर होगा. तो हम यहाँ पे इस रिलेशन से ये कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, 0.448 डीएम क्यूब किस के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 मोल डिवाइडेड बाय 22.414 डीएम क्यूब एंड द मल्टीप्लाई बाय द 0.448 डीएम क्यूब. ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएंगे मोल्स 0.448 डिवाइडेड बाय 22.414. ठीक है, तो आपके पास आ गया 0.019 मोल्स. ठीक है, ये वॉल्यूम किसका था, ये वॉल्यूम इस कंपाउंड का था जो 1.8 ग्राम है. ठीक है, तो ये मोल्स किसके आ गए, ये कंपाउंड के मोल्स आ गए जो आपके पास गिवन कंपाउंड है. ठीक है, सो नाउ यू आर हैविंग द मोल्स. ठीक है, और आपको पता है कि जो मोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है नहीं, मोल हमारे पास है, गिवन मास हमारे पास 1.8 ग्राम है, तो हम उससे क्या कर लेंगे, थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमें चाहिए, डेट इज़ अ मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ मैं सिंपल मोल का फॉर्मूला लिख रही हूँ, मोल इज इक्वल टू द गिवन मास. ठीक है, गिवन मास के बाद डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट. तो मोल्स आपके पास गिवन है, मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ 0.0199. ठीक है, आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास आपके पास 1.8 ग्राम. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट
एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये मोलिकुलर वेट यहाँ डिवाइड में है, अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये इधर आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फ्रंट पे कर देती हूँ, हाँ ठीक है। मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू द गिवन मास, ठीक है। उसी फॉर्मूला को मैंने चेंज कर दिया है, तो मोल जो हमारे पास थे ये हम यहाँ लिख लेंगे 0.0199। इस स्टेप को आप ऊपर देख लें, इसी स्टेप को मैंने ऊपर लिखा है। और मोलिकुलर वेट आपको फाइंड करना है एंड गिवन मास आपके पास जो है 1.8 ग्राम, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट जो है हमारे पास यहाँ रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 0.0199 मोल्स, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.0199 90.45, ठीक है, ग्राम पर मोल यूनिट आ गए। और ये आपके पास आ गया मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। सो नाउ यू आर हैविंग द मोलिकुलर मास, ठीक है। आपके पास मोलिकुलर मास भी है, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला भी है, इससे आप निकाल लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास और फर्दर आप इन दोनों से निकाल लेंगे रेशियो, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास मैं यहाँ जल्दी से कैलकुलेट कर लेती हूँ, क्या है CO2H एक कार्बन है, ठीक है, इसका 12 हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, और प्लस आपके पास क्या है 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो यू विल हैव 45 ग्राम, ठीक है। तो आप इन दोनों का रेशियो लें तो आपके पास क्या आ जाता है, एन आ जाता है, एन इज़ इक्वल टू मोलिकुलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 90.41, ऑलमोस्ट ये 91 है, इसको आप 45 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राउंड ऑफ करके हम इसको 2 ले लेते हैं, 2.02 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने n इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, देन यू विल हैव, मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रही हूँ, ये हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, मोलिकुलर फार्मूला आपको फाइंड करना था, n आप निकाल चुके हैं, उसको आप एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला CO2H है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, देन यू विल बी हैविंग मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ कार्बन 1 है तो 2 1 द 2, ऑक्सीजन 2 है 2 2 द 4, हाइड्रोजन भी 1 है, कुछ 1 ना हो, ठीक है, कुछ लिखा हुआ ना हो तो मीन 1। तो ये आपके पास आ गया मोलिकुलर फार्मूला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल, आपका न्यूमेरिकल हो चुका है, जो आपका ऑब्जेक्टिव था मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, वो आप कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।